कि गूगल पे में यूपीआई पिन फॉरगेट कैसे किया जाता है, यानी कि अगर आप भूल चुके हैं या नया बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो सबसे पहले आप गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे, गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि नीचे में आप देख सकते हैं। तो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको कोने में होगा प्रोफाइल, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जितने भी आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर फॉरगेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप जो है डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, ये करने के बाद यहाँ पे राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे। तो आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल सही सही इंटर करेंगे, तब आपका जो है यहाँ पर पिन यूपीआई पिन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड का डिटेल इंटर कर चुके हैं, राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो चलिए मेरा आ चुका है, तो यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। तो चलिए ओटीपी देने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई ओटीपी हो चुका है। और वेरीफाई ओटीपी होने के बाद राइट वाले निशान पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी आपको याद रह सके यूपीआई पिन, तो वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इंटर कर चुके हैं, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए फिर से वही जो पिन आप दिए हैं वही पिन यहाँ पे इंटर करेंगे 6 डिजिट का। ऐसा करने के बाद आप राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे, तो आपका पिन जो है रिसेट हो जाएगा यूपीआई पिन, और यहाँ पे नया भी बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यूपीआई पिन अपडेट, यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है यूपीआई पिन बन चुका है। तो अगर आपको देखना है कि मेरा यूपीआई पिन बना है कि नहीं बना है, तो व्यू बैलेंस पर क्लिक करके आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल पे में यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।